अरे अरे पीछे भाई, पीछे 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 सुनील, पीछे पीछे जा भाई, विशाल पीछे। महारानी स्नेहलता, क्या बात है, महारानी क्या बात है, अच्छा महारानी नाम है। चलो पीछे जाओ, चलो गाइस पीछे, चलो बाहर बाहर नहीं नहीं अभी इधर करो, चलो कोई पीछे नहीं, हां ठीक है ना, देख के आज ही वीडियो देखते हैं, सभी इधर ही बैठ। क्या बोला तुमने? क्या जल जाएगी आज की वीडियो देखते हैं। क्या बोला? पीछे लेना कैमरा, आगे खड़े ना, क्या नाम है सुनील, पीछे चलो चलो बाहर। मुझको वो बाइक में करेंगे, आप बाहर आ जाइए, पहले विजुअल्स कर लेते हैं, चलेगा यार, बोलने तो दो कम से कम। आप बाहर आइए ना, सलीम जी आ जाइए बाहर, ये पहुंच यहां पे। मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझको महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने का ये सुनहरा मौका दिया सब लोग थोड़ा आगे पीछे, चलो चलो बाहर आ जाओ विशाल, बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, विशाल छाता थोड़ा धीरे धीरे आ जाओ, चलो नहीं होगी, छाता दे दो, चलो वॉक मिलेगा अच्छा आने वाला भाई, मोबाइल पीछे ले, आ जाइए बाहर आ जाइए, डे लाइट में, डे लाइट में आ जाइए, ये आ जाइए, बारिश बंद हो गया, आ जाइए, आ जाइए, बारिश का किशन, मौसम बहुत सुहाना है, छाता छाता दे दो भाई, इस मकड़ी की ये जुर्रत, मुझे छुए क्या, बारिश हो गया सलीम जी, ये साइड आ जाइए, आपको क्या बोलता है, क्या बोल, क्या हुआ, अरे कुछ नहीं बताइए, वो गलती से राखी बोल दिया आपको, कैमरा उधर रहा, कैमरा उधर रहा, शर्लिन जी, शर्लिन जी, अरे रुको रुको जरा, रुको भाई, शर्लिन जी आप इधर आ जाइए ना ओपन में, हाँ चलो, और सब दूर से रहे, बस बस बस, आप सब पीछे रहो, आप सब दूर रहना बे, मोबाइल से, वेट रुको रुको, कैमरा चल, नहीं एक बार, एक बार रुको रुको, क्या बात है, बता बता जल्दी क्या बात है, सही नहीं बड़ा, एक बार और, एक बार और, या महारानी स्नेहलता, अरे पहले बाइक, अरे भाई रुको जरा यार, चल ले भाई, अमित ना रुको जरा, मेरे को यही चाहिए, अंदर अंदर का कुछ नहीं चाहिए, बोले 30 सेकंड के अंदर, लेफ्ट में देखो आप, या सेंटर लुक, नहीं सेंटर यहां पर ना देखो, सेंटर 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 सामने, ये है सब जगह जाना, पौरुषपुर राज्य में, हाँ हाँ, राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं, ये प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ औरत को दी जाती है, पौरुषपुर राज्य के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म दे वो कहलाएगी पौरुषपुर की महारानी, और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी, ठीक है, तो अब देखना ये है कि पौरुषपुर राज्य में कौन किसके साथ क्या षड्यंत्र या साजिश रचता है राज गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त करने के लिए, ये है पौरुषपुर की कहानी का मूल बिंदु। जी, अरे भाई पहले बाइट नहीं, बाइट नहीं हो रहा यार, बाइट करना बाद में,
अरे अलग है उसका। एकता कपूर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पौरुषपुर 2 का चेहरा बनूं। क्या बात। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं एकता कपूर जी के साथ बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स करती रहूँ, न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म में। क्या बात है, क्या बात है। I love you, एकता कपूर जी। चल भाई ले आ, एक छोटा सा। अरे मतलब इंटरव्यू क्या थी, गलत समझ रहे। क्या बोला मैडम? बोले मुझे खड़े खड़े पसंद है, मतलब बैठ के अच्छा इंटरव्यू होता है। तो हंस रहा है। नहीं, आपने बोला बैठे बैठे अच्छा होता है। मैं इंटरव्यू में बोल रहा था। सबको मालूम है इंटरव्यू है, लेकिन बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है। बहुत जर्नलिस्ट हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग कितना हार्ड वर्किंग। Let's try. चलिए। पानी दे दी। मेरा गला सूख रहा है। पानी मंगाइए। शर्लिन जी की। मेरा गला सूख रहा है। पानी दो, पानी पानी। अरे कोई दो शर्लिन जी को, गला सूख गया उनका। जाओ जल्दी जाओ। ऑडियो चेक करें इधर, ऑडियो चेक। हेलो हेलो। अरे तुम्हारा नहीं उधर। जाएगा वो। झूठा है क्या? मैंने सोचा। लीजिए। ये लो ये लो मैडम। आने दो, भाभी को बताता हूँ। देख जीवन शंकर भाई क्या है। आन दे। शर्लिन जी कुछ कहना चाहोगे? ये व्यक्ति ने बोला कि जिला शिकाला है। अभी हमको भी सब्सक्राइब करना है। कितने चैनल है यार। आगे आने वाला है राजा भाई। चलो स्टार्ट। करोड़ों रुपए चलिंग सबसे। वेट वेट वेट। ठीक है, रोल गाइस। शलिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन नई सीरीज के लिए। पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 1 में अगर कुछ आप बताना चाहोगे, पार्ट 2 में किस तरह का आपका किरदार होने वाला है और आपके लुक के बारे में। सेंटर लुक रहेगा मैम? सीधा देखिए ये इधर सामने। हाँ, सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझको ये सुनहरा मौका दिया कि मैं महारानी स्नेहलता की भूमिका निभा सकूं पौरुषपुर 2 में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पौरुषपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर राज गद्दे पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं। ये अधिकार सिर्फ औरत को दी जाती है। ऐसे में पौरुषपुर के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म देती हो वो बनेगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी। तो अब रानियों में एक रेस शुरू हो जाती है गर्भवती बनने के लिए। तो देखना ये है कि कौन किसके साथ क्या साजिश या षड्यंत्र रचता है राज गद्दी पर बैठकर राज करने के लिए। yes. इस रानी का जो किरदार है वो कितना मिलन करता है आपके जो रियल किरदार है उससे? मैं कहूंगी 10/10, 100%। कैसे, किस किस वे में मिलन करता है? क्योंकि ये जो रानी है ये खुद को रानी नहीं मानती है। ये खुद को महारानी मानती है। हाँ, तो जब जब कोई इनसे रानी स्नेहलता कहता है ये उन्हें टोक कर कहती हैं महारानी कहिएगा। तो समझने वाली बात ये है कि ये मन ही मन खुद को महारानी मानती है और इन्हें पूरा भरोसा है कि अगर कोई काबिल है राज सिंहासन पर बैठने के लिए तो वो ये है, कोई और नहीं। शलिन, अगर आपको रियल लाइफ में महारानी का किरदार, लाइक बॉलीवुड में महारानी अगर आपको घोषित कर दिया, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बॉलीवुड में आप एक बदलाव लाना चाहते हो? और काफ़ी लंबे समय से आप वो एक बदलाव लाना चाहते हो, बट अब जब महारानी का किरदार आपको मिलेगा तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे बॉलीवुड में? मैं चाहूँगी कि बॉलीवुड में और
हर उस सेक्टर में जहाँ पर नेपोटिज्म जिंदा है वहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, मर जाए, और उसके अलावा सेक्सिज्म भी खत्म हो जाए। लोग मजबूरी में जिस्मानी ताल्लुकात ना बनाएं, चाह कर बनाएं। आमतौर पर देखा जाता है कि कास्टिंग काउच के चलते मजबूरन लोगों को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनके चलते वो मन ही मन शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। शर्लिन जी देख, अगर हम बात करें इन दिनों बिग बॉस की, तो आकांक्षा पूरी ने काफी हंगामा किया है, किस कर दिया बिग बॉस के शो में, और जिसको लेके काफी विवाद हुआ है देश में, काफी हंगामा हो रहा है आकांक्षा पूरी के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा किस? एक एड ऑन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा जो हम बिग बॉस देखते पारिवारिक शो देखते हैं, बट उनके जो होस्ट है उनकी फिल्मों में हमने आज तक नहीं देखा। एंड उनके ही घर में, वो कहते हैं कि उनका घर है और उनके घर पे ऐसी चीज होती है, तो किस तरह से आप देखते हो, क्या कुछ बदलाव आप उसमें भी लाना चाहोगे? आपको ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि सलमान खान, इन्हें डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि शो में अगर वो कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो एडिट भी हो सकता है। आप ये बताइए कि किस कैसा था? जिसने किया उसने बोला जो मतलब जो था, मतलब किस देख कर क्या आप उत्तेजित हुए? But it looked nice in मतलब आकांक्षा जी ने nice enjoy आपके रोंगटे खड़े हुए बताइए ना गुदगुदी हुई जो खुद ही खड़े हो गए। But national television में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों का क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए नेशनल टेलीविजन पर? देखिए आप खुद बोल रहे हैं कि आपको मजा आया। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। But it looked अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो बस बात वहीं पर खत्म होती है, अच्छा लगा। तो आप सपोर्ट करते हैं, आपका आपकी क्या राय है, क्योंकि आप हमेशा रोंगटे खड़े हुए इस सारी चीजों पे एक अलग राय रखते हैं अपनी, आपकी क्या राय है, ये गलत है, सही है, क्या बदलाव लाना चाहिए था? और आकांक्षा जी को अगर कुछ संदेश देना चाहे हमारे दर्शकों से, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उनको अगर कोई संदेश देना चाहो। देखिए किस करना तो बुरी बात नहीं है, राइट। हाँ, तो अगर आप किसी में माहिर हैं तो कृपया देश के आवाम को बताइए ना कि सही मायने से, मतलब सही तरह से किस कैसे किया जाता है, यानी ऐसे ऐसे नाक बीच में आती है ना, दिक्कत होती है। लेकिन आकांक्षा ने सही तरीके से नहीं किया। अच्छा, किस बात का दुख है आपको? नहीं किया, नहीं किया। आप बताइए कैसे करते हैं किसी? नहीं, वो स्टार है जो वो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ उनकी जो थे फ्रेंच है वो लेकिन आप क्या कहना चाहोगे, लेकिन ऐसा चीजें करना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखो ना, एक टॉपिक खत्म कर, अरे और कुछ पूछ लो। अरे भाई भाई क्या कोई जो में क्या टॉपिक चल रहा है, बातें छोड़ के हम बॉलीवुड और वेब सीरीज की बातें करते हैं, जो कि हम आपको देखे हैं बॉलीवुड में, आपकी मूवी आ चुकी है, आप बॉलीवुड में भी काम चुके हैं, इन दिनों आप OTT प्लेटफॉर्म पे अपने नए शो के साथ कमबैक कर रहे हैं, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंट है कुछ बताना चाहते हैं आप अपने फैंस को? डिफरेंट प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड फिल्में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। मुझे लगता है कि अब लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं रही और उतना समय नहीं रहा कि वो 3 घंटे की फिल्म देखें या 3.5 घंटे की फिल्म देखें, है कि नहीं? हम आमतौर पर फिल्में तब देखते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जैसे हम एयरपोर्ट जा रहे हैं या हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या हम ऑटो रिक्शा से ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारे पास 10-15 मिनट या आधे घंटे का समय होता है,
हमें तुरंत कुछ ना कुछ देखना होता है, तो क्या देखें? 3.5 घंटे की फिल्म कैसे देखें? तो हम एक एपिसोड देख सकते हैं किसी वेब सीरीज की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ज़माना है वेब सीरीज़ का, ये हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वेब सीरीज़ बन रही हैं, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि देश भर में, दुनिया भर में, और लोग एंजॉय करते हैं आराम से अपने बेडरूम में लेटे लेटे, या यू नो ऑफिस में, या कहीं पर भी शॉपिंग मॉल में। तो बड़ा आसान होता है वेब सीरीज़ देखना या एक एक एपिसोड देखना, यू नो, जब जब हमारे पास समय हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 घंटे निकालें और मजबूरी में वो फिल्म देखें। राखी साहब ने एयरपोर्ट पे ना काफी सारे पैसे लुटाए, मतलब पॉपुलर होने के लिए या पब्लिसिटी पाने के लिए। राखी साहब ने कल एयरपोर्ट पे ना पैसे लुटाए काफी सारे, कैप्टन के ऊपर। अच्छा, मतलब असली वाले हाँ, असली वाले वीडियो में तो असली वाले आ रहे हैं। पॉपुलर की पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं राखी की, चेक कीजिएगा। लेकिन शर्लिन, अभी आप दोनों का बॉन्ड फिर से खराब हो चुका है, बीच में अच्छा हो गया था राखी के साथ जब इंसिडेंट हुआ था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं अब सीरियस हो गई हूँ और अब मुझे काम पर फोकस करना अच्छा लगता है। मेरे पास खोटा टाइम है नहीं। पैसे उड़ाना अच्छी बात है, पैसे कहीं उड़ाना नहीं, उड़ाना मतलब राखी साहब ने नकली पैसा उड़ाया, मतलब ये। देखिए, लक्ष्मी जी की इज्जत करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को हम लॉकर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अब अगर कोई करेंसी नोट उड़ा रहा है या उड़ा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो नकली होंगे। शर्लिन, आपने शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया है इस सीरीज में, क्या कहना चाहूँगी? सीजन 2 में शिल्पा शिंदे नहीं है, बट वही किरदार में आप हो। मतलब सीजन 1 में वो लीड कर रही थी, वह आज इस सीजन में आप लीड करी सीजन 2 में, क्या कहना चाहूँगी? जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि सीजन 3 में कोई और इस सीरीज का चेहरा बने, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को रिप्लेस किया है या कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है। उस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग है, और हम सब के लिए इस इंडस्ट्री में काम है। बात अगर आपके रोल का किया जाए, जैसे आपने बताया कि आप रियल लाइफ में भी एक महारानी की लाइफ जीती हैं, तो इस ऑन स्क्रीन पे प्ले करना एक महारानी का रोल, तो कितना डिफरेंट रहा एज अ लैंग्वेज प्रिपेयर करना, या फिर ऑन स्क्रीन एज अ महारानी दिखाना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ, तो मेरे लिए डायलॉग्स को याद रखना और यू नो उस लहजे में बोलना जैसे कि लिखा गया है, वो काफ़ी मुश्किल नहीं था। अभी कल की बात है, मैंने एक लाइन कही जो ऐसी है, इन्हें लेकर जाइए इनके कमरे में, तो मुझसे कहा गया कमरा नहीं, कक्ष बोलिएगा, क्योंकि राज्य दरबार में कमरा इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कक्ष बोलिए। तो वो मुझे ज़रा अच्छा लगा, यानी क्लासी लगा। ओहो, महारानी जब बोलेगी तो वो कमरा नहीं, कक्ष बोलेगी। एक आखिरी सवाल है आपसे शर्लिन जी, मेरे तरफ से, कि हाल ही में दो बड़े एक्टर थे आयशा और नीलम पर, उनका जो शो का एपिसोड खत्म हो चुका था, और स्टैम्पलेस ने ऐसा डील साइन किया कि वो अगले 5 साल तक एक साथ काम करेंगे एज अ कलाकार, आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने स्टैम्पलेस नेटवर्क ने, कि दो कलाकार को एक साथ, मतलब दे आर फेमस जोड़ी, कई सॉन्ग कर सकते थे, नया शो कर सकते थे, या कुछ भी, मतलब फेमस है फैंस, लेकिन आपको क्या लगता है स्टैम्पलेस से जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, आपको लगता है सही आर्टिस्ट था? ये सवाल आप खुद लिखते हैं, जो सवाल आप पूछते हैं आप खुद लिखते हैं। हाँ, शर्लिन जी बताइए ना, क्या क्या आप खुद लिखते हैं? हाँ या ना? समोसे हम मंगवाए, चाय हम पिलाए, हाँ, बात किसी और की। सही बात, सही बात। भाई